वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 26 देखने वाले हैं। 4 अगस्त की वर्कशीट है, जो कि 6th to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वर्कशीट में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहले ये इंग्लिश में हम देखने वाले हैं, चिंता ना करें, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे हिंदी में ही है। बट पहले हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे हिंदी में। सो इस वर्कशीट में लिखा है, आई एम सोनिया। Let me introduce you with my family. I have my father, mother, my brother, and my sister in my family. Let me tell you their age. So, यहाँ पर सोनिया एक लड़की है जो अपनी फैमिली से आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, जिसके अंदर फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर है, और उन सब की एजेस यहाँ पर उसने बता रखी है। I am 6 year old. I का मतलब कौन? सोनिया। सोनिया इज 6 year old. माई ब्रदर इज 4 year elder देन मी। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, मतलब 4 साल बड़ा है। मतलब इसके अंदर हम एड कर देंगे तो इसकी ब्रदर की एज आ जाएगी। माई सिस्टर इज 3 year younger देन माई ब्रदर। यंगर का मतलब हो गया छोटा, 3 साल छोटा है किससे? माई ब्रदर से। आगे दे रखा है, माई मदर इज 22 year older देन माई ब्रदर। जो भी एज ब्रदर की है, मदर उससे 22 years older है। ओल्डर का मतलब हो गया ज्यादा है, मतलब प्लस। सो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग भी बना रखी है, और इसकी तरह आप भी बना सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको अपने फैमिली का इस तरीके से फैमिली फोटो बनाए। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ सोनिया। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, सोनिया की एज जो है वो 6 years हो गई। तो हम यहाँ पे 6 years लिख देंगे। ब्रदर, ब्रदर की एज उन्होंने बोली थी, ब्रदर वॉज 4 year elder देन मी, मतलब सोनिया से 4 साल बड़ा। तो मैं हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 10 years। हम यहाँ पे 10 years लिख देंगे। सिस्टर की एज, सिस्टर इज 3 years younger देन माई ब्रदर। जो भी ब्रदर की एज, मतलब 10 -3, यंगर मतलब -3, हमारा आ गया 7 years। नेक्स्ट आता है, माई मदर इज 22 years older देन माई ब्रदर। तो ब्रदर की एज 10 थी, प्लस 22, 32 years एज की उनकी मदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज यंगेस्ट। यंगेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा। कौन है? हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन है, सोनिया। सोनिया इज द यंगेस्ट। आगे इन्होंने पूछा है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फैमिली एंड हाउ। तो इसके अंदर आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे वक्त बिताते हैं, ये आपको लिखना है। तो मैंने एक सैंपल आंसर दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, बट कोशिश करें खुद लिखने की। तो आई लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद माई फैमिली। During present lockdown, we have been doing everything together. आप भी कर रहे होंगे साथ में। We all help in kitchen, cleaning and household work. Then my parents help me in study work. Once that is complete, we all enjoy playing board games and watch movie together. तो ये तो हो गया ये English का sample answer. आइए चलते हैं Hindi का भी answers देख लेते हैं। तो ये हिंदी में सेम कहानी है, मेरा नाम सोनिया है, मैं आपका परिचय अपने परिवार के से करवाती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, एक भाई और एक बहन है। अब मैं सबकी उम्र के बारे में बताती हूँ। तो सोनिया सबकी उम्र के बारे में बता रही है। मेरी उम्र 6 वर्ष की है, तो इसने अपनी उम्र के बारे में बताया। मेरे भाई मेरे मेरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा वो मतलब हो गया प्लस कर देंगे हम। मेरी बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है, तो बहन जो है भाई से 3 वर्ष छोटी है। मेरी मम्मी मेरे भाई से 22 साल बड़ी है। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, तो आंसर आपके सामने सेम है, 6 वर्ष, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं जो सिंपल आंसर है उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। वर्तमान काल लॉकडाउन के दौरान हम सब कुछ एक साथ करते हैं। हम सभी रसोई, सफाई और घरेलू काम
के में मदद करते हैं, मेरे माता पिता अध्ययन कार्य में मेरी मदद करते हैं, मतलब पढ़ाई में, पढ़ाई करने में, होमवर्क करने में। जब वह पूरा हो जाता है, जब वह पूरा हो जाता है तो हम सभी बोर्ड गेम खेलते हैं और एक साथ फिल्म देखने का आनंद लेते हैं। आप जो करते हैं वो आप हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं। सो इस वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा हो तो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।